मैं श्याम कुमार राम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पांच पंच, जो कि आपको बहुत जरूरी है सीखना। बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग करेंगे किसमें की बात अच्छी, ऐसे हॉर्स राइडिंग स्टांस होता है, जैसे आप घोड़े पर बैठते हैं, जैसे आप लोग घोड़े पर बैठने के बाद आपका पैर का पोजिशन होता है, उस तरह से की बात अच्छी। ऐसे फिंगर जब ऐसे होता है तो शिवर अच्छी होता है, और ऐसे फिंगर इन हो जाएगा तो वो की बात अच्छी होता है। फिंगर इन करके हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। पांच पंच आपको बताने वाला हूँ बहुत बारीकी से, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को जब आप पूरा देखते हैं तो बीच में हम कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसी जो बातें हैं जो बता देते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और रोजाना सुबह में 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है, तो प्लीज अगर किसी कारण से छूट गया आपका वीडियो तो आप सुबह में आकर हमारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फेस पंच बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड, ये इसको जापानीज में जोनर पंच करते हैं। जोनर पंच, जोनर मींस फेस अपर लेवल, उसको पंच करेंगे हम लोग, फेस पंच करेंगे। जब पंच करते हैं तो यहाँ से सिर्फ इस दोनों से हम पंच करेंगे, पूरा पंच हिट नहीं होता है, सिर्फ इस दोनों से हिट होता है पंच। तो आपको देखिए कैसे करना है आपको, रेडी गो वन। जब ये पंच आ रहा है, ये पंच जब हिट हुआ तो ये जो एल्बो है वो पीछे की तरफ हिट होगा, मतलब दोनों एक साथ में, दो अटैक एक साथ में हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको ये जो स्टांस है, ये इस पर बैठने से आपका ये स्ट्रांग होगा, लेग स्ट्रांग होगा, और साथ साथ आपका पंच, जब हमारा पंच आप करते हैं तो आपका पंच ही बड़ा स्ट्रांग होता है, स्पीड बढ़ता है। तो जितना ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं उतना ज्यादा स्पीड बढ़ा, क्योंकि जब आप स्पीड में पंच करते हैं, जैसे आप एक बुलेट आपको दे दिए, एक इस बंदे के पास बुलेट दे दिया जाए सिर्फ, और इसके पास गन और बुलेट दे दिया जाए, तो जिसके पास गन और बुलेट रहेगा तो बुलेट अगर गन से निकल कर किसी को लगे तो मर जाता है, लेकिन अगर ये बुलेट चलाकर सिर्फ मारेगा तो नहीं मरेगा। कारण इसलिए है कि बुलेट से जो निकला हुआ, जो गन से जो निकला हुआ बुलेट है, वो अगर किसी को लगेगा तो बड़ा स्पीड और पावर में जाता है, इस गन से मर जाता है। वैसे ही आपको बुलेट की तरह बनना है, गन से निकला हुआ बुलेट की तरह बनना है। चलिए अभी हम आपको करके दिखाते हैं चुदन, रेडी। अभी जब जब भी कराटे हो या कोई भी मार्शल आर्ट हो, जब भी किसी को मारते हैं, ये पूरा पार्ट स्ट्रेट पार्ट में आपको मारना है। अभी हमने यहां पर हिट किया था, अभी हमको यहां पर हिट करना है। डाउन, रेडी गो, वन। सेम पावर लगेगा एल्बो में अटैक और पंच में अटैक। 2, 3, मोस्टली 4, 5। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा जब ये लोग कर रहे हैं तो मुंह से ब्रेथ आउट निकल रहा है, हवा निकल रहा है, वो कहां से हवा निकलना चाहिए, यहां से। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको जानने वाली चीज है, यहां से ब्रेथ आउट निकालना है, और ब्रेथ आउट निकालना बहुत जरूरी है, या तो आप खेल बोलिए या तो ब्रेथ आउट निकालिए, जितना पावर है उसके साथ में आपको बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। गो 4, 5, 5, 6 और ब्रेकआउट के साथ पीछे में अटैक करते हुए स्पीड एंड पावर में। रेडी गो, 1, 2, 3, 4, 5 स्पीड, 7, 8, 9, 10। दोस्तों अभी हम लोग करने वाले हैं अपर मिडिल लोअर पंच, देखते हैं कैसे करना है हम, लेकिन काउंट बाय काउंट करेंगे। मैं 1 बोलूंगा तो ऊपर, 2 एंड 3। रेडी गो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, अभी हम लोग करेंगे एक बार में 1, 2, 3 अपर से मिडिल। गो, 1, 2, 5, 3, 4, 5। अभी हम आपको करके दिखाते हैं, नीचे से ऊपर करेंगे काउंट बाय काउंट। गो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1। अब हम लोग करेंगे नीचे से एक बार में स्पीड में। गो, 1, 2, 5, 3, 4। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
वीडियो जो भी जैसा भी बताया गया हो आप तोड़ तोड़ कर आप सीखिएगा, आस्ते आस्ते बेसिक सीखिएगा, आप जल्द से जल्द इम्प्रूव कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। और मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूँ वो सब आप घर बैठे आराम से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने स्लो मोशन में बहुत सारे बता के रखे हैं और ये आपको फायदेमंद है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय। और